टीम इंडिया ने निकाली बेजबॉल की हवा। भारत और इंग्लैंड के बीच मौजूदा टेस्ट सीरीज में भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल छाए हुए हैं। यशस्वी की तूफानी बैटिंग ने इंग्लिश टीम के होश उड़ा दिए हैं। धर्मशाला टेस्ट मैच में भी भारत की पहली पारी में यशस्वी ने धुआंधार 57 रन बनाए थे। यशस्वी की तूफानी बैटिंग से भारत को शानदार शुरुआत मिली और उसने इस मैच पर भी अपना शिकंजा कस लिया है। वैसे भारतीय टीम पहले ही सीरीज में 3-1 से आगे है और अब वो स्कोर को 4-1 करने की तरफ बढ़ चली है। देखा जाए तो इस टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम ने इंग्लैंड के बैच बॉल की हवा निकाल दी है। बैच बॉल का तोड़ जायसवाल का जैस बॉल बना। यशस्वी जायसवाल से प्रभावित होकर बाकी के भारतीय बल्लेबाज भी अटैकिंग क्रिकेट खेलने लगे हैं। तभी तो धर्मशाला टेस्ट में भारत की पहली पारी में शुभमन गिल, यशस्वी और रोहित शर्मा ने मिलकर कुल 11 छक्के लगाए। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिला है जब किसी पारी में टॉप ऑर्डर के तीनों ही बल्लेबाजों ने कम से कम 3-3 छक्के जड़े। कुल मिलाकर भारतीय बल्लेबाजों ने इस सीरीज में अब तक 74 छक्के लगाए हैं। इनमें से 26 छक्के तो यशस्वी जायसवाल ने ही लगा दिए। दूसरी ओर इंग्लिश बल्लेबाजों ने महज 27 छक्के लगाए, जो यशस्वी से एक ज्यादा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि यशस्वी अकेले ही पूरी इंग्लिश टीम पर भारी पड़े हैं। ब्रैंटन मैकुलम के कोच और बेन स्टोक्स के कप्तान बनने के बाद से हर हालात में आक्रामक खेल की इंग्लैंड की रणनीति को बैच बॉल कहा जाता है। लेकिन अब भारत ने यशस्वी जायसवाल की धासु बैटिंग के दम पर इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ मौजूदा टेस्ट सीरीज में काफी धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए अब तक 9 पारियों में 712 रन बनाए हैं। इस दौरान यशस्वी का स्ट्राइक रेट 69.91 और औसत 79 रहा है। यशस्वी ने अब तक 68 चौके और 26 छक्के लगाए हैं। यशस्वी ने वाइजैक टेस्ट मैच में 209 रनों की पारी खेली थी। फिर राजकोट टेस्ट मैच में भी इस युवा बल्लेबाज ने भारत की दूसरी पारी में 214 रन बना डाले थे। इसके बाद यशस्वी ने रांची टेस्ट मैच में भी काफी दमदार प्रदर्शन किया था। फिर उन्होंने धर्मशाला के मैदान पर भी तबाही मचा दी। भारतीय टीम को यदि धर्मशाला टेस्ट मैच में फिर से बल्लेबाजी का मौका मिलता है तो यशस्वी जायसवाल दो बड़े रिकॉर्ड्स बना सकते हैं। हालांकि इसकी संभावना कम दिखाई देती है क्योंकि इंग्लैंड धर्मशाला टेस्ट में भारत से पहले पारी के आधार पर अब तक 255 रनों से पिछड़ चुका है। भारत की पहली पारी अभी समाप्त नहीं हुई है। बाएं हाथ के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल यदि मौजूदा टेस्ट मैच में 41 रन और बना लेते हैं तो वो भारत इंग्लैंड के बीच किसी टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। फिलहाल ये रिकॉर्ड इंग्लिश दिग्गज ग्राहम गूच के नाम है, जिन्होंने 1990 की टेस्ट सीरीज में 752 रन बना दिए थे।